को आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ डालते ही उनके पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। ऑन टाइम पहुंचा था, मेरे को उन्होंने मना कर दिया था टेस्ट देने से कि आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो एक राज की बात बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं हूँ अपने राज्य के अंदर, जिस शहर का मैं राजा हूँ। ओ भाई, मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शहर के अंदर हूँ मैं, जिसका नाम है कोवेंट्री। और कोवेंट्री जो है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है सबसे फेमस है। और आज मैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही आपसे बात करूँगा, जो है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। मैं उससे रिलेटेड आपसे आज बात करूँगा पूरी डिटेल के अंदर ना, कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है, क्योंकि मेरे को इसका पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसे चलाते हैं। मैं इतने टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ यूके के अंदर, और मेरे पास यूके लाइसेंस भी है, फिर भी मतलब मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि क्या है। मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। जब मेरा क्लियर हुआ था, बहुत पहले क्लियर हुआ था मेरा यूके लाइसेंस ना, तो मैंने तब भी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बट आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे सब करते हैं मैनेज, कैसे अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं, कैसे अपना थ्योरी टेस्ट क्लियर करते हैं, और कैसे अपना प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अभी आप सबको चाहिए होंगी एकोमोडेशन, सब एकोमोडेशन सर्च कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो कि है एम्बर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा, एम्बर स्टूडेंट और मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे थ्रू एम्बर स्टूडेंट को बुक भी किया है। और एम्बर स्टूडेंट बहुत एक अच्छी वेबसाइट है, जिसका मेरे को काफ़ी गुड फीडबैक आ रहा है। और गाइज, प्रॉपर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, प्रॉपर आपकी अच्छी अच्छी स्टूडेंट एकोमोडेशंस होती हैं एम्बर स्टूडेंट के अंदर, और आपकी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बुक कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आयरलैंड जा रहे हो, यूके आ रहे हो, तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर आप अपनी एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हो, कुछ मिलता है आपको इसके अंदर। और इसके अंदर आपकी कोविड कैंसिलेशन पॉलिसी भी है गाइज, कि अगर फॉर एग्जांपल आप, अगर आपका वीज़ा नहीं लग पाता है, या फिर अगर आपका कुछ भी हो जाता है, अगर आप बुक कर देते हो, फीस जो है आपने जितना जो दिया था वो आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा वैलिड रीज़न होने पे। और प्रॉपर मैंने एक एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन का टूर भी करा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हो। और मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके थ्रू एम्बर स्टूडेंट की एकोमोडेशन बुक करो। तो सबसे पहले तो देखो, ये सारा है कोवेंट्री ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, और ये सारा है कोवेंट्री सिटी सेंटर, और हम उसके ब्रिज पे खड़े हैं। और मैं अभी आपको चलते चलते पूरी जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि मुझे पता है आपने कर दिया होगा, और बेल आइकन भी दबा दो प्लीज़। तो सबसे पहले तो गाइज, हमें करना होता है प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई। प्रोविजनल लाइसेंस हम कैसे अप्लाई करते हैं, हमें गूगल पर डालना होता है अप्लाई प्रोविजनल लाइसेंस वगैरह वगैरह, जो भी होता है हमें गूगल पर डालना है। हमें वेबसाइट के अंदर जाना है, gov.uk की DVLA की वेबसाइट होती है, उसके अंदर जाना है। तो आपके प्रोविजनल लाइसेंस की फ़ीस होती है 33 to 35 pounds। देन हमारे पोस्ट के चार्जेस लगते हैं गाइस, कुछ ना कुछ हमारे लगते हैं। अगर हम ट्रैकेबल डिलीवरी करते हैं, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाली डिलीवरी होती है, वन डे डिलीवरी होती है, और जिसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर भी होता है, हमें वही वाली डिलीवरी करानी है, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी भेजनी होती है। जैसे अगर मुझे प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, तो मेरे को एनवलप के अंदर या तो अपना BRP भेजना पड़ेगा, या तो अपना पासपोर्ट भेजना पड़ेगा। ऐसे करके हमें आइडेंटिटी भेजनी पड़ती है अपने प्रोविजनल लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। तो मैंने अपना BRP भेजा था, तो वो रिटर्न आ जाता है, वो भी रिटर्न आता है हमारा BRP, और जो हमारा प्रोविजनल लाइसेंस होता है वो भी हमारा रिटर्न आता है। तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा टोटल इस पर खर्चा आ जाता है 50 pounds के आसपास खर्चा आ जाता है। 11 to 13 pounds जो होता है वो हमारे पोस्ट के चार्जेस होते हैं, मतलब जो हम पार्सल करते हैं उसके चार्जेस होते हैं, और 33 to 35 pounds जो होते हैं वो प्रोविजनल लाइसेंस के चार्जेस होते हैं। तो हमारा 2 weeks के अंदर अंदर हमारा मैक्सिमम हमारा जो ID प्रूफ होता है वो जो हमने भेजा होता है, और हमारा प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती है विद इन 1 to 2 weeks, सिंपल। देन उसके बाद गाइज, बिना कुछ देरी के, अगर आपको प्रॉपर गाड़ी चलानी है, UK ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, देन आपको थ्योरी टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है, जो कि उसकी फ़ीस होती है हमारी 23 pounds, जो कि या तो आप कार का ले सकते हो, या तो आप बाइक का ले सकते हो, या तो आप दोनों ले सकते हो। दोनों एक टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों अलग अलग टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम गाड़ी का लाइसेंस लें, क्योंकि यार बाइक इतनी यहाँ पे वो नहीं है, यूज़फुल नहीं है,
प्लस एक तो ठंड बहुत पड़ती है, अब जैसे हम बाइक चलाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो हाथों में बहुत ठंड लगती है, उसके लिए हमें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, हेलमेट पहनना पड़ता है, प्रॉपर बाइक की जैकेट पहननी पड़ती है, तो बड़ा वो कष्टदायी है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना गाड़ी का लाइसेंस लो अपना, 23 pounds आपने वो दे दिए, ठीक है। देन हमारा होता है, हम मूव करते हैं थ्योरी टेस्ट के ऊपर, जिसकी फीस होती है 23 pounds। हमारे थ्योरी टेस्ट के अंदर दो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके अंदर एक हमारा होता है हज़ार्ड टेस्ट, एक होता है हमारा एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है 50 मार्क्स का, जिसके अंदर हमें 43 लाने होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं, वो 50 में से 43 नंबर हमें चाहिए होते हैं, अगर हमारे नहीं आते तो हमें दोबारा से देना पड़ेगा। और एक हमारा होता है हज़ार्ड टेस्ट, उसके अंदर भी हमारा क्राइटेरिया होता है, वो बहुत आसान होता है, वो देखते ही क्लियर हो जाता है, अगर आप DVLA की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है 5 pounds का ओनली, वो अवेलेबल है, उससे अगर आप तैयारी करते हो तो आपका वो हज़ार्ड टेस्ट तो क्लियर हो जाएगा। मेन आता है हमारा MCQ वाला टेस्ट, उसमें हमें चाहिए होते हैं अच्छे नंबर, जो कि हमें 50 में से 43 चाहिए होते हैं, तो हमें वो मेन क्लियर करना पड़ता है। एक नंबर भी कम आता ना, मैंने 2 बार 3 बार दिया था, एक्चुअली मैंने 4 बार बुक किया था, जिसमें मैं 2 बार तो बहुत दूर गया था, तब मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था, मैं ट्रेन से गया था और मैं खाली ऑन टाइम पहुंचा था, मेरे को उन्होंने मना कर दिया था टेस्ट देने से कि आप टेस्ट नहीं दे सकते हो क्योंकि आप ऑन टाइम पहुंचो, 15 मिनट्स अर्ली पहुंचना पड़ता है। तो ये चीज़ बिल्कुल अपने ध्यान में रख के जाना, क्योंकि ये बहुत चालू होते हैं और हमें जाने नहीं देते, बट चले जाना आप टाइम पे। 2 बार मेरा ऐसे हो गया था, एक बार मैं रेडिच गया था और एक बार मैं कोवेंट्री गया था, मेरे को दोनों बार नहीं देने दिया। फिर एक बार मेरे 42 नंबर आए थे, मैं तब फेल हो गया था, एक मार्क्स से रह गया था मैं। फिर नेक्स्ट टाइम में मैं बहुत दूर गया था, वो भी मैं नॉर्थहैम्पटन गया था शायद, वहाँ पे मेरा क्लियर हो गया था, बिना किसी को बताए मैं पहुँच गया था। फिर हमारा क्लियर हो जाता है थ्योरी टेस्ट, फिर आपको थ्योरी टेस्ट का हैंड टू हैंड आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यस यू हैव क्लियर योर थ्योरी टेस्ट, सिंपल। देन उसके बाद आपको क्या करना होता है, देन उसके बाद आपको अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट बुक करना होता है, जिसकी फीस होती है 62 pounds अगर आप नॉर्मल डे पे बुक करते हो, अगर आप कोई वीकेंड हॉलीडे बैंक हॉलीडे पे बुक करते हो देन आपकी होती है 75 pounds, वो डिपेंड करता है आपके स्लॉट पे या एवरीथिंग पे। अगर आप चाहते हो मैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे देते हैं क्या करते हैं, तो मैं वो भी बना दूंगा, बट अभी मैं इसके अंदर आपको मोटा मोटा बता देता हूँ मेन कि कैसे आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ बढ़ना है। तो फिर आपका आता है गाइस प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट, जिसके अंदर आपको 15 कर सकते हो आप माइनर मिस्टेक्स एंड 1 major mistake। जैसे फॉर एग्जांपल अब रोड पे रेड लाइट है और बहुत सारी गाड़ी आ रही है, आपने अंदर डाल दी गाड़ी, तो ये होती है मेजर मिस्टेक का, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बंदा चल रहा है आपने रोड पे ठोक दिया उसे, या नो एंट्री जोन में आपने अंदर डाल दी गाड़ी, तो कुछ भी आपने मेजर मिस्टेक कर दी तो आप फेल हो जाओगे। या फिर होती है हमारी 15 minor mistakes, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो, आप कहीं पे लेफ्ट राइट मुड़े तो आपने इंडिकेटर नहीं दिया, तो वो हो गई आपकी माइनर मिस्टेक। देन कोई आ रहा है, आपने हॉर्न मार दिया या कुछ भी, मतलब आपने कोई भी छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दी, देन ये होती है आपकी माइनर मिस्टेक। ऐसे करते करते आप 15 माइनर मिस्टेक्स कर सकते हो एंड 1 major mistake इन प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट। तो गाइस फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर आपको क्या करना होता है, जैसे अगर आपको सेम एड्रेस जो आपका ड्राइविंग प्रोविजनल लाइसेंस पे आपका एड्रेस है, सेम एड्रेस है, देन आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस उसी इंस्ट्रक्टर को देते हो, तो वो आपके घर पे विदिन 20 days आपके घर में प्रॉपर UK ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो वो एक आपको पासिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर आपका क्लियर नहीं होता तो आपको दोबारा से बुक करना पड़ेगा टेस्ट ऑफकोर्स, और अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है, जैसे आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस में कोई और एड्रेस है, देन आपको यूके ड्राइविंग लाइसेंस पे कोई और एड्रेस चाहिए, देन वो आपको आपका लाइसेंस दे देते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, देन आपको पोस्ट ऑफिस जाना होता है, वहाँ पे आपको जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, देन आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, आपके न्यू एड्रेस पे आपका न्यू ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, सिंपल। ये होती है पूरी जर्नी हमारा UK ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की, जो कि मेरे को बहुत पहले बता देनी चाहिए थी आपको, बट मैं आप क्यों बता रहा हूँ आपको, एनीवेज बस यही बताना था। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए प्रॉपर कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपको करना है क्लियर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, मेरे अटैम्प्ट बताऊँ मैं आपको कि मैंने कितनी बार में दिया था, मेरा तो आई गेस पिछले साल मेरा क्लियर हो गया था, तो अगर आपको मैं बताऊँ अपने प्रोज एंड कॉन्स एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा, अगर आप चाहते हो तो मेरे को कम से कम नहीं तो ना 100 likes कर दो चलो इस वीडियो पे, ठीक है, फिर मैं आपको बता देनी है। तो अगर आप कर देते हो तो मैं उसी वक्त वीडियो बना दूंगा एक, और मेरे को लेकिन याद भी दिला देना मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, ठीक है प्लीज़। तो बस एंड करते हैं आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस की पासिंग जर्नी, आई होप आप पास हो जाओ, और हो भी जाओगे, हो ही जाओगे, आपके पास देखो प्रोविजनल लाइसेंस तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो जब भी UK में आते हो अप्लाई कर दो प्रोविजनल लाइसेंस, अनटिल एंड अनलेस आपको गाड़ी नहीं चलानी,
अगर आप अपनी गाड़ी चलाते हो यूके के अंदर आके, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप गाड़ी चलाते हो, तो आप प्रोविजनल लाइसेंस अगर अप्लाई करोगे तो आप अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते अगर आप प्रोविजनल लाइसेंस है आपके पास तो। और वो पुलिस वालों को अपने आप डिटेल्स पता लग जाती है। अगर आप सोचो अपने दिमाग में कि मैं तो पुलिस वाले को बताऊंगा ही नहीं मेरे पास प्रोविजनल लाइसेंस है, तो वो आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ डालते ही उनके पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसलिए ये गलती मत करना। और एक और बात, अगर आपके पास प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको गाड़ी चलानी है, तो आपको आगे और पीछे गाड़ी के आपको एल ड्राइविंग प्लेट्स चाहिए, और आपको चाहिए कोई भी जिसका 3 years का यूके ड्राइविंग लाइसेंस हो वो आपके साथ बैठा हो, तो आप प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अपनी गाड़ी चला सकते हो, अदरवाइज़ आप प्रोविजनल के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हो। बस और तो कुछ भी नहीं है। और ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप गाड़ी चला सकते हो यूके के अंदर बिना लाइसेंस अप्लाई किए। अगर आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप गाड़ी नहीं चला सकते यूके के अंदर, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आप गाड़ी नहीं चला सकते, फिर ये बात ध्यान रखना आप। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जाए बात, फिर आप बोलोगे कि नहीं हमको किसी ने गाइड नहीं किया, व्हाटएवर, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसलिए। तो स्टे अपडेटेड, मेरी वीडियो देखते रहो, और मैं आप सबका अच्छा करूँगा बिल्कुल, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, सबका अच्छा ही करता हूँ वैसे तो मैं। चलो एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।